क्योंकि हमारे में क्या है, हमारे मुसलमानों में क्या है कि हम लोग घर से निकलने को राजी नहीं है, और क्या कारण है, क्या डर है वो हमें मालूम नहीं है, और वो डर आज हम लोगों ने निकाला और आज हम लोग सड़कों के ऊपर आए हैं। और मैं आप लोगों से अपील करूंगा, इस डर को खत्म करो और ये तादाद को और बढ़ाओ और इस सरकार के खिलाफ जो है मुहिम चलाओ। मैं डीएस बिंद्रा, मैं आप लोगों को इतना ही कह सकता हूँ कि मैं, मेरे साथ बिंद्रा रंजीत सिंह जी भी है और सिख फैमिलीज भी है, हम लोग आपके साथ हैं। कोई और आपके साथ हो ना हो, हम आपके साथ हैं। आपके साथ अगर हमें सर भी कटवाना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये दो ही मुजाहिद हैं हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, जो अपना सर कटल भी कर सकते हैं और सर कलम भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जहां भी आपको कोई सिख मिले आप उसको सत श्रीकाल करो, मेरे को जहां भी कोई मुस्लिम मिले वो असलाम वालेकुम उसको करूंगा। हम लोग एक निशान पैदा करके देंगे, हम लोग एक इंडिया के अंदर एक निशान पैदा करके देंगे। इस तानाशाही सरकार को हम बता देंगे कि अगर सिख और मुसलमान बाहर आ गए तो आप उनको रोक नहीं पाओगे आप। और मैं दलित भाइयों से भी यहां से अपील करना चाहूंगा, दलित भाइयों को भी अपील करना चाहूंगा कि आज ये दीवार एक मुसलमानों की दीवार है, ये दीवार गिरने के बाद सबसे ज्यादा पहले दलित जो है टारगेट हो जाएंगे, दलित के बाद सिख टारगेट होंगे। ये एक एक छोटा छोटा निवाला बना के हम लोगों को खा जाएंगे, हम लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, हमें एहतियात करना पड़ेगा और हमें यहाँ से जो है कदम उठा के जानी पड़ेगी कि हम लोग जब भी यहाँ से जाएंगे, जब तक हमारा कैब जो है ये कैंसिल नहीं हो जाता है, जब तक इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं हो जाती, सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में नहीं आ जाता, हम लोग ऐसे सड़कों पर निकलते रहेंगे। भाइयों, मरने की आप लोग टेंशन मत लो, अगर 200 मुसलमान मर भी गया ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं आप लोगों को यहाँ पर आज कह के जा रहा हूँ, हो सकता है कल मुझे जेल में डाल दिया जाए कि एक साल में वहां पर क्या बोला था, हो सकता है मुझे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन भाई आप लोगों के लिए हर सिख खड़ा है, एक मुस्लिम और सिख, ये दो कौमें मिलकर इस सरकार को जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे और बताएंगे कि मुसलमान को दबाने का क्या होता है। तो मैं यही आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई जो आपने आज यहाँ पर संख्या दिखाई है, ये 25 करोड़ की संख्या, 30 करोड़ की संख्या अगर सारी सड़कों के ऊपर आ गई तो ये तानाशाही सरकार को 2 मिनट ही लगेंगे गिराने के अंदर। जब भी किसी चीज को जब दबाया जाता है तो उतने फोर्स के साथ वो वापस आती है, एक शॉकर का जो स्प्रिंग होता है, शॉकर का स्प्रिंग होता है, जितनी जोर से उसको दबाओगे वो उतनी तरीके से वापस आएगा। और यही मुसलमानों के साथ हो रहा है, पहले 3 तलाक के नाम पे उनको जलील किया गया, फिर 370 धारा के नाम पे जलील किया गया, बाबरी मस्जिद के नाम पे जलील किया गया, अब इन्होंने सीएजी के नाम पे जलील किया है। तो इनको इसका जवाब देना पड़ेगा और इसका जवाब आप लोग देंगे। आप लोग, मैं यही आप लोगों से अपील करूंगा कि भैया सच्चे मुसलमान बनो, अपने शिया सुन्नी को छोड़ो, देवी ब्रेलवंदी को छोड़ो, देवी को छोड़ो, आप सबको छोड़ दो, आप सिर्फ पहले सबसे पहले मुसलमान बनो। अगर आप मुसलमान बन गए तो आपको कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं गिरा सकती है। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को अंजाम दूंगा क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, कल मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा, पूरी कोर्ट में टाड़ा बाड़ा लगा दिया जाएगा, शायद आप लोगों को मिली ना मिलू, लेकिन अगर आपको आपके जहन में आता है कि डीएस बिंद्रा जी को अरेस्ट किया तो आप लोग इसी तादाद के साथ आ जाना। बस एक बात कहना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है ये जो सीबीआई जो कानून है, एक छोटी सी बात कहते हैं, ये लाखों मुसलमान और हिंदुओं ने